सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं बनीखेत, और आज मॉर्निंग में मैं वीडियो बना नहीं पाया बिकॉज तैयार होते हैं थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया और हम थोड़े लेट हो गए घर से। तो पिछले ब्लॉग में जो हमारा कलर का काम रहता था, कलर जो LY में हमने कलर करवाने हैं उसका काम जो रहता था, उसे कंप्लीट करवाने आज हम लोग जा रहे हैं। मैं और भावना साथ में है मेरे। सो भावना की जो सिलाई मशीन है वो भी थोड़ी दिक्कत कर रही है उसे, है ना, दिक्कत कर रही है तो चल नहीं रही है अच्छे से। सो उसको भी ठीक करवाने के लिए छोड़ के जाएंगे और फिर करवाएंगे अपना काम गाड़ी का। सो चलो फ्रेंड चलते हैं यार बाइक। फ्रेंड्स, आज मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ है, बिल्कुल मतलब बादल है बीच बीच में, बट धूप अच्छी खिली है। सो आज अच्छे से हो जाएगा कलर, कलर अच्छे से सूख जाएगा हमारा, और देखते हैं वैसे क्या पता अभी हो भी कलर या नहीं हो, वहाँ पे जाके शॉप पे जाके पता चलेगा, पर होना तो चाहिए वैसे। अगर हो जाएगा तो अच्छे से सूख जाएगा हमारा कलर। ठीक है, देखते कितना टाइम लगता है। अभी हम पहुँचे हैं बनीखेत, पहुँचने वाले सुदली गाँव है, ये सुदली नाम है इस गाँव का। ये देखिए पार्क, काफ़ी अच्छा व्यू है। लास्ट पहाड़ी पे बर्फ ही दिखती है, 32 में दिख नहीं रही है अभी ना। काली माता का मंदिर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर जाके देखो, ये दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको, शीशा गंदा है वैसे गाड़ी के बाहर से तो दिख रहा होगा, यहाँ पे काली का मंदिर है। और ये देखो ये घास कैसे काट रहे हैं ना यहाँ पे, डब्बे डब्बे में ऐसे डब्बे डब्बे बना के। इसका क्या है, वो ऐसे क्यों काट रहे, पूरा क्यों नहीं काट रहे? इस नदी में दो डिवाइड है, पहली साइड है ये जम्मू कश्मीर का एरिया और हो गया। इस नदी के पार चेड का पड़ता है और यहाँ पे हिमाचल, जम्मू कश्मीर का एरिया ये पार। हाँ, और इस साइड हिमाचल। हाँ जी, फ्रेंड्स पहुंच गए हम कलर वाली शॉप पे और करवा रहे हैं कलर अब। सो जो हमने कलर डिसाइड किया है वो है येलो कलर। सो देखते हैं येलो कलर कैसा लगता है, बाद में पता चलेगा होने के बाद। तो मुझे तो ऐसे अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग सकता है। सो आज धूप भी बड़ी अच्छी है, देखो खिली है धूप अच्छी, तो सूख जाएगा जल्दी से। आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग सकता है येलो कलर? अच्छा लगेगा, लग तो मेरे को वैसे ही रहा यार, बाकी होने के बाद ही पता चलेगा फ्रेंड्स। तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें क्योंकि सूखने भी देना है ना कलर को हिसाब से। ये लगी है हमारी गाड़ी, ये एक टायर हमारा निकल चुका है अभी, देखो ये हालत है अभी। करवाया नहीं था ना जिस टाइम पापा जी ने ये LY लगवाए थे, उस टाइम ये नहीं करवाया था। तो चलो टाइम के हिसाब से अभी करवा लेते हैं। तो अभी तो इसको साइड से साफ करेंगे, उसके बाद इस पर फर्स्ट कोट फिर सेकेंड कोट, फिर देखते हैं कैसा लगता है। इसी तरह से सारे टायर हमारे ओपन हो जाएंगे। पेंट का काम शुरू, पेंट ये देखो पन्नी बिछा दी इन्होंने ताकि इधर उधर पेंट ना बिक रहे। सो साफ सफाई से बिल्कुल काम हो रहा है हमारा। देखते हैं फ्रेंड्स कितना टाइम लगता है इसको, क्योंकि सुखाने में टाइम ज़्यादा लगता है, करने में कम। सो एक पूरा एक बज चुका है दिन का और काम शुरू हो रहा है हमारा। ये देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। भूख तो लगी कब आपको? भूख तो नहीं लगी? एक बज गया, चार तो बज जाएंगे, तीन या चार बज जाएंगे। हाँ शॉप यहाँ पे नज़दीक में है फ्रेंड्स, कुछ भूख लगेगी अगर तो यहाँ से लेके खा लेंगे हम कुछ, वैसे खाना खा के आए घर से। कबू आपकी मशीन तो हुई नहीं ठीक, आपकी मशीन गाड़ी में हुई नहीं ठीक, हो तो मैकेनिक ही नहीं है कोई तो पढ़वाने की। सही है ना, लेके आ रही है चिप्स। कौन सा लेना आपने? ग्रीन लेके आओ मेरे लिए, ग्रीन लाइट ग्रीन। जाओ
जाओ जाओ किसी इस तरह का लग रहा है थोड़ा। अभी फर्स्ट फोटो है, सेकंड फोटो और होएगा तो थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड्स कि कार वॉश अगर पहले करवा लेगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि एलवाई गंदे पड़े हैं, इतना अभी चमक आएगी नहीं। नहीं तो फिर मुझे अब कल या परसों तक ही वॉशिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वॉश मैं करवाता हूँ गाड़ी को तो ये ख़राब हो जाएगा। बाकी पूछता हूँ इनसे, अगर प्रॉपर सूख जाता है आज तो करवा सकता हूँ शाम तक वॉशिंग। जाता हूँ मैं कब्बू के पास। इधर ही खाते हैं, इधर ही खाते हैं। और कौन कौन से लिया आपने? लेज ग्रीन, ये तो मेरा है। अच्छा ये वाली ठीक है, कोई नहीं, इधर ही खाते हैं ना, तब तक हो जाएगा। फ्रेंड्स कलर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये येलो पैंट ठीक है, ऐसे आगे हमने क्लिपर में किया है इस तरह से। हो गया कब्बू कम्प्लीट है, इसमें ज़्यादा टाइम लगा, वैसे सूखने में टाइम लगेगा अभी। और आज हम वॉशिंग नहीं करवा सकते फ्रेंड्स इसकी ना, क्योंकि कलर उतर जाएगा बोलते हैं, फिर कल शाम तक वॉशिंग करवाएंगे इसकी, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लग गया हमारा टायर फिट होने और सूख चुका है कलर लगभग, तो बाकी घर में गाड़ी पार्क कर देंगे तो वहाँ पर सूख जाएगा। सो ये देखिए कुछ इस तरह की लुक आएगी, मैं दिखाऊँगा आपको बाद में घर पहुँच के, आपको पूरा दिखाऊँगा इसको ना कि किस तरह की लुक आ रही है। टायर हमारे फिट हो चुके हैं, बाकी लास्ट लुक आपको घर में जाके बताऊंगा मैं। फ्रेंड्स हम बनीखेत पहुंच चुके हैं, तो गाड़ी मैंने लगा ली है पार्किंग में। सो ये कुछ इस तरह की रही हमारी फाइनल लुक टायर की। सो अभी टायर गंदा है और इसमें थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ी गंदगी है, तो इसको साफ करेंगे, पूरा एलवाई को साफ करेंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो कुछ इस तरह से ये देखिए, इस तरह की कुछ लुक आई है। और क्लिपर कुछ इस तरह के लग रहे हैं। सो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, बाकी आप बताइएगा कमेंट में कैसे लग रही है। अभी गाड़ी पार्क करके मैं और कब्बू जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बाजार में, हाँ बनीखेत बाजार में। सो ज्वेलर के पास जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा काम है, तो बस वहाँ से फ्री होके फिर घर को आना, फिर वहाँ से फ्री होके घर को। और मशीन तो आपकी बनी नहीं कब्बू? सो मशीन जो लेके आए थे सिलाई मशीन, वो बनी नहीं, यहाँ पे है नहीं कोई ठीक करने वाला। सो ये रहा बॉडी, ये देखो चंबा उल्टा दिख रहा है इसमें। चले तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं बाजार तक। आगे बनीखेत बाजार है, कृपया धीरे चले ठीक है। आगे बनीखेत बाजार है, कृपया धीरे चले, धीरे चलो। क्या रुक रुक कर। सभी हम आए हैं कब्बू के डेंटिस्ट के पास, कब्बू ने दांतों का काम करवाया था इनसे, तो वायरें डलवाई थी अपनी, तो काफ़ी टाइम के बाद आए यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। वायरें एक्सचेंज हो, हमें एक्सचेंज भी हो सकती है न्यू, मतलब कि इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, तो देखते हैं अभी। अभी आए नेम का नंबर, वायर चेंज हो नहीं, तो वायर चेंज भी हो सकती है, सफाई हो सकती है दांतों की ना, तो पेन है आपको दांतों में? जब ठंड होती है तब होती है, टाइम भी लग सकता है अभी फ्रेंड्स। चलो देखते हैं, करवाते हैं काम। ऐसा लग रहा है कब्बू को डर है ना, डर लग रहा है बोरी की कटिंग हो सकती है दांतों की मांस की कटिंग हो सकती है अंदर से। पिछली बार जब ये आए थे ना, दो तीन महीने पहले ना, तीन महीने पहले, तो इन्होंने कहा था कि अंदर से कटिंग हो सकती है मांस की, तो इसलिए डर रही है। तो हल्की सी पेन हो सकती है अगर होगी, बाकी क्या कर सकते हैं, करवाना तो पड़ेगा, ट्रीटमेंट तो पूरा करवाना पड़ेगा ना। 8-9 महीने हो गए उसे है ना दांतों में वायर पड़ेगा, एक साल हो गया, आए नहीं थे हम यहाँ पे, आ नहीं पाए ना। अच्छा चलो कोई नहीं, करवाते हैं। इसकी सफाई हुई, वायर नहीं। अच्छा वायर चेंज होनी थी, पर वायर चेंज करवा के नहीं लगवा ली। अभी हम आ चुके हैं पेस्ट्री खाने के लिए, और कबू ने मेरे को एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव सी गिफ्ट ली है, तो मैं आपको उसे घर हाँ आपने ली है मेरे को। आपके लिए नहीं, हो मेरे लिए है ठीक है। सो मैं उसे आपको घर में जाके अनबॉक्सिंग करूँगा उसकी, दिखाऊँगा आपको। अभी तो फिलहाल हम खा लेते हैं पेस्ट्री, कबू ने ये भी कबू ने ऑर्डर की है, इसका बिल भी कबू पे करेगी ठीक है। जो आज फ्रेंड्स खा लेते हैं। फ्रेंड्स ये वो गिफ्ट है जो कब्बू ने मेरे को लिया है, काफ़ी अच्छी रिंग है ये देखिए, मेरे को तो बहुत पसंद आई।
बाकी आप बताइएगा कमेंट में कैसी लगी ये रिंग।